वेलकम बैक टू माई चैनल, मैं हूँ निहारिका। सो आज का वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मैं बात करूंगी अबाउट डार्क सर्कल्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त विदाउट मेकअप हूँ। डार्क सर्कल्स बहुत कॉमन चीज़ है, कभी भी किसी को भी हो सकता है, आपको बचपन से हो सकते हैं, नहीं तो किसी दिन आप अचानक से उठोगे तो आपको लगेगा आपके आइज़ के नीचे डार्कनेस आ गई है। तो बहुत कॉमन चीज़ है, लेकिन जब भी जिसको होता है थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट आपको फील होने लगती है, आप इनसिक्योर फील करने लगते हो, कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हो, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। इवन मुझे भी नॉर्मल लाइफ में, मुझे डार्क सर्कल्स हाइड करने की आदत नहीं है तो मैं एकदम नॉर्मल रहती हूँ, लेकिन जब मैं कैमरे के सामने लाइक इस वक्त जैसे मैं बैठी हूँ तो मुझे भी थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होने लगती है, क्योंकि मैं हमेशा मेकअप करके बैठती हूँ। तो मैं अगर विदाउट मेकअप बैठती हूँ तो मुझे भी लगता है कि लाइक सही लग रहा है, कोई कुछ कह तो नहीं देगा, अच्छा तो नहीं लग रहा, इस तरीके के थॉट्स आपके अंदर आने लगते हैं, जबकि ये इतना कॉमन है। जो डार्कनेस है वो इसलिए होती है क्योंकि जो आपकी अंडर आई की स्किन है वो बहुत थिन हो जाती है और जो ब्लड वेसल्स है वो दिखने लगते हैं, जिसकी वजह से एक काइंड ऑफ डार्कनेस क्रिएट हो जाती है, एक शेडो क्रिएट हो जाती है। इस वजह से देखने पर लगता है कि आपके डार्क सर्कल्स हो गए हैं। और दूसरे रीज़न जो कॉमन है वो है लैक ऑफ स्लीप। आप रात भर मोबाइल में लगे रहते हैं, आपको आयरन डिफिशियंसी है, या फिर जेनेटिक्स है, या फिर एजिंग या एलर्जी, ये सब भी रीज़न है जिसकी वजह से डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। सो डार्क सर्कल्स को क्योर करने के कई तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपना लिविंग स्टाइल सही करिए, यानी टाइम पे सोइए, अच्छे से खाइए और ज़्यादा टाइम लैपटॉप या मोबाइल पे मत गुजारिए। सेकंड, ऑब्वियसली मेकअप है जो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हेल्प करता है डार्कनेस को रिड्यूस करने में, डार्कनेस को एक तरीके से हाइड करने में। लेकिन जो हेल्दी और बेटर सोल्यूशन है, परमानेंट सोल्यूशन है, वो है एक अच्छी आई क्रीम। सो मेरे पास यहाँ पे डर्माटच की बाय बाय डार्क सर्कल्स अंडर आई क्रीम। इसमें है आपके एडवांस इंग्रेडिएंट जो क्लिनिकली प्रूवन है एंड डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। ये जो फॉर्मूला है ये बना है फॉर फास्ट एक्शन, यानी ये आपके डार्क सर्कल्स के अपीयरेंस को जल्दी रिड्यूस करेगा और अंडर आई एरिया को बेटर बनाएगा। ये जो आई क्रीम है इसमें यूज हुए हैं दो मेन की इंग्रेडिएंट। सबसे पहला है रेनाचरीज 2, ये एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम अफ्रीकन प्लांट जो कि रिड्यूस करता है आपकी आईज की पफिनेस और अंडर बैग्स को और आईज को बनाता है और भी ज्यादा यूथफुल एंड रेडिएंट। और जो सेकंड है वो है एल्डरवाइन 5X, ये जो एक्टिव है ये प्रिवेंट करता है प्रीमेच्योर एजिंग को, आपके अंडर आई एरिया को ये फर्म और इलास्टिक बनाता है, प्लस जो डार्क सर्कल्स का अपीयरेंस है उसे भी रिड्यूस करता है। इस क्रीम को यूज़ करना बहुत सिंपल है, बस आपको क्लीन एंड टोन्ड फेस पे अप्लाई करना है। इसमें आता है इस टाइप का नोजल जिसकी हेल्प से बहुत आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको डॉट्स अप्लाई करने हैं और जेंटली मसाज करना है। आप उसे डे नाइट दोनों टाइम यूज कर सकते हैं। ये हेल्प करता है आपके डार्क सर्कल्स और पफिनेस को रिड्यूस करने में, आपके अंडर आई एरिया को और भी ज्यादा हाइड्रेट, फर्म और इलास्टिक बनाता है, प्लस जो स्किन बैरियर है उसे वापस रिस्टोर एंड मेंटेन करता है। एंड इट ऑल्सो हेल्प इन माइक्रो कैपिलरी इंट्रीगेशन टू लाइटन द डार्क सर्कल्स। सो ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि जो इसके इंग्रीडियंट है बहुत ही ज्यादा एडवांस है और कहीं ना कहीं ये आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे आपके डार्क सर्कल्स को रिड्यूस करने में और आपके जो अंडर आई एरिया है उसको बेटर करने में। इवन अगर आपको लग रहा है कि आपके डार्क सर्कल्स अभी लाइक प्रॉपर नहीं आए लेकिन आ रहे हैं या कभी कभी आ जाते हैं बहुत ज़्यादा टायर्डनेस से, तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बस अगर आप फर्स्ट टाइम बाय कर रहे हो तो ज़रूर पैच टेस्ट कर लो, श्योर कर लो कि आपको सूट कर रहा है, आपकी स्किन को सूट कर रहा है। वैसे ये बहुत ज़्यादा जेंटल है और हाइड्रेटिंग है और जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको फ़र्क पता चलेगा। हाँ, जब भी इसको ट्राई करिए तो इतना ज़रूर कहूँगी कि आप एटलीस्ट एक मंथ तक फॉलो करिए, क्योंकि असर आपको एक दिन में नहीं पता चलेगा, तो एटलीस्ट थोड़ा टाइम आप लगाइए क्योंकि तुरंत डिफरेंस तो किसी चीज़ में नहीं पता चलता। तो अगर आप प्रॉपरली कंटिन्यू करोगे तो हाँ, आपको डिफरेंस धीमे धीमे पता चलेगा। हाँ, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर आप अवॉइड कर दो, पर अदर देन दैट आप ज़रूर कंटिन्यू करिए और आप मॉर्निंग नाइट दोनों टाइम जिस टाइम आपको सही लगे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आपको डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम है एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिए। सो गाइज, दिस वॉज द वीडियो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।